टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट मेरिडियन और बेरिंग। फर्स्टली मैं मेरिडियन के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरिडियन जो है फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन होती है, जो यानी कि किसी भी सर्वे लाइन का एंगल मेजर करना है तो किसी भी रिस्पेक्ट में मेजर करना है तो उसी फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन को ही हम जो है मेरिडियन कहते हैं। जैसे इसमें जैसे मैंने नॉर्थ मानना तो कैसे मानूं मैं, तो कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना होगा, तो वही रेफरेंस जो डायरेक्शन होती है उसको मैं ही मेरिडियन कहता हूँ। इसके बाद जो है हम इसके टाइप्स देखेंगे। इसके टाइप जनरली 4 टाइप्स के मेरिडियन होते हैं। इसमें फर्स्टली डिस्कस करेंगे ट्रू मेरिडियन के लिए। ट्रू मेरिडियन जो होता है, कोई भी लाइन है वो पास करती है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल, इनके बीच में जो कोई लाइन है वो कर्वेचर को फॉलो करते हुए, अगर वो फॉलो करते हुए और उसमें जो है लाइन पास कर रही है तो उसी को हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है मैग्नेट जियोग्राफिकल नॉर्थ दिख रहा है, इधर जियोग्राफिकल साउथ, तो इस प्रकार से ये अर्थ का शेप हो गया। तो यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ होते हुए जो कर्वेचर फॉर्म में, ऐसा कर्वेचर होते हुए जो लाइन पास कर रही है उसे ही हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। अब जो ट्रू मेरिडियन की जो डायरेक्शन जो है हमेशा फिक्स है, क्योंकि जियोग्राफिकल नॉर्थ और पोल के डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए ये इसकी डायरेक्शन भी फिक्स रहती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, कोई भी लाइन जो पास करती है मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को अलोंग विथ फ्लक्स डायरेक्शन, मतलब कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, फ्लक्स की डायरेक्शन में ऐसा तरीके से जो लाइन पास कर रही है उसे ही हम मैग्नेटिक मेरिडियन करते हैं कहते हैं। अब इसके बाद हम जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ और साउथ जो होते हैं मैग्नेटिक, ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसलिए जो है मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन वेरिएबल रहती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन में जैसे कि मुझे बहुत लार्ज एरिया में सर्वे करना है, जैसे कि कोई स्टेट है, कंट्री का कोई स्टेट है उसमें सर्वे करना है, तो मैंने जो होल कंट्री है, होल कंट्री में जो है ट्रू नॉर्थ जहां से पास कर रहा है उसको ही मैंने एज अ रेफरेंस मेरिडियन ले लिया है। रेफरेंस जो मान लिया हूं कि भाई मुझे उस स्टेट का सर्वे करना है तो कंट्री का ही रेफरेंस ले लिया मैंने नॉर्थ को, तो उसी रेफरेंस मेरिडियन को जो है ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आर्बिट्री मेरिडियन के बारे में। आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है कि जब हम कोई यानी सूटेबल एज्यूम डायरेक्शन को एज्यूम कर लें, जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं फील्ड प्रैक्टिकल करने के लिए और हमने सर्वे चालू किया और हमने सूटेबल कोई भी डायरेक्शन ऐसा मान लिया, तो उसी को जो है आर्बिट्री मेरिडियन कहते हैं। जनरली क्या होता है, जो हम ट्रेवर्स बनाते हैं उसमें फर्स्ट लाइन होती है, जैसे ये ट्रेवर्स है ए बी सी डी, उसमें फर्स्ट लाइन है ए बी, इसकी डायरेक्शन को ही हम एज्यूम कर लेते हैं एज अ नॉर्थ। और इसका जो है आर्बिट्री मेरिडियन का यूज जो होता है रिलेटिव डायरेक्शन फाइंड करने में किया जाता है, यानी कि ए बी के रिस्पेक्ट में बी सी और सी डी किस डायरेक्शन में है वो फाइंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेरिंग के बारे में। बेरिंग क्या होता है, बेरिंग जनरली होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो विद रिस्पेक्ट टू हम फिक्स मेरिडियन या डायरेक्शन के हिसाब से मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन फिक्स डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं हम बेरिंग। ये भी जनरली 4 टाइप्स के होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। जैसे कि मान चलो ये ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन की ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ट्रू मेरिडियन की नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन ट्रू मेरिडियन और ये सर्वे लाइन है पी क्यू, इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम ट्रू बेरिंग कहेंगे। सेम यही देखते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। मैग्नेटिक बेरिंग जो होती है डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक बेरिंग। सेम इसी प्रकार से मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ डायरेक्शन ये है और इस सर्वे लाइन का जो एंगल मेजर कर रहे हैं वही अपनी मैग्नेटिक बेरिंग हो गई। अब ग्रिड मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ग्रिड मेरिडियन और सर्वे लाइन,
दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा वो ग्रिड मेरिडियन होगा। इस प्रकार से यहाँ दिख रहा है ग्रिड मेरिडियन नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, और ये पी क्यू सर्वे लाइन, और ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल ये ग्रिड मेरिडियन। सेम इसी प्रकार से आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री बेरिंग वो होता है जो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन आर्बिट्री मेरिडियन और सर्वे लाइन, आर्बिट्री मेरिडियन और सर्वे लाइन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आर्बिट्री मेरिडियन को मैंने एज्यूम कर लिया हूँ नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है आर्बिट्री, तो उसकी डायरेक्शन और जो सर्वे लाइन है उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम थीटा कहेंगे और उसी को आर्बिट्री मेरिडियन कहते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।